नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी जालौर के ओटवाड़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से बातचीत की। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी महिलाओं और स्थानीय लोगों से पूरी घटना की जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। कितना साल दे रहे बता दी कोई की मारपीट की थोड़ी थोड़ी दीवार तोड़न कोई कर दी जो रहवासी घर पाड़ो ना देता था। मैं आगे आगे फरता था और पीछे पीछे प्रशासन आवे तो भाई रहवासी मुकान बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाओ तो मैं मारा एकदम चुप साफ शांति थी उबा था। दो घंटा बंद कर दो सीधा फट गेट बंद करके फट गया। ये तरीका गवर्नमेंट रहे ये गलत है। बूढ़ा मैजी ने नहीं देखा, छोटा छोटा बच्चों ने नहीं देखा। मारे इस वीडियो में रविंद्र सिंह भाटी महिलाओं को सुनते हुए नजर आ रहे हैं, जो चर्चा में है। आपको बता दें कि जालौर के ओटवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाया गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ। हालांकि जोधपुर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया और अतिक्रमण हटाने पर अस्थायी रोक लगा दी। कोर्ट की इस बड़ी कार्रवाई से हजारों लोगों ने राहत की तो सांस ली। जालौर के ओटवाड़ा में पुलिस प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई को लेकर जमकर बवाल हुआ। बाद में इस मामले से जुड़े हुए 29 प्रार्थियों ने जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका पेश की थी, जिसकी सुनवाई जस्टिस विनोद माथुर ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्याम पालीवाल ने बताया कि मामले से जुड़े हुए लोगों के पास में 1930 से यहां पर रहने के प्रमाण हैं। इसके अलावा उनके पास पट्टे भी हैं। अधिवक्ता ने बताया कि जिला प्रशासन ने केवल PLPC के ऑर्डर के चलते एक तरफा कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया है, जबकि लोगों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन नहीं किया गया। प्रशासन ने केवल 91 का नोटिस देते हुए कार्रवाई की है, जो कि उचित नहीं है। इस पर जस्टिस माथुर ने अतिक्रमण हटाने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।